ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि त्यौहार का अपना विशेष ही महत्व है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि आती है। उनमें से पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि, दूसरी शारदीय और अन्य 2 गुप्त नवरात्रि होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है और इसी के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती है और अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना को पूरा करती है। इस बार वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार को शुरू हो रहा है और इसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। नवरात्रि का यह त्यौहार पूरे 9 दिनों तक चलेगा। इसमें कोई भी वृद्धि या फिर कोई भी क्षय नहीं है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस वर्ष 8 अप्रैल को रात में 11:50 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल 2024 को रात में 8:30 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग जैसे अनेक शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। वहीं नवरात्रि से एक दिन पहले अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका नवरात्रि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी कि पंचक के समाप्त होने के बाद ही घट स्थापना करना सही होगा। वहीं पंचक समाप्त होने के बाद 9:12 से लेकर 10:47 तक अशुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना सही होगा। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:57 से लेकर दोपहर में 12:48 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा इस दिन वैधृत योग और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग हो रहा है। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से लेकर सुबह के 5:17 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:57 से दोपहर के 12:48 तक है। वहीं इस दिन विजय मुहूर्त भी बन रहा है। यह दोपहर के 2:30 से लेकर दोपहर के 3:31 तक है। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम को 6:42 से शाम के 7:05 तक है। इस समय में आप सायंकाल की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:32 से लेकर शाम को 5:06 तक रहेगा। वहीं इस दिन अमृत सिद्धि योग सुबह के 7:32 से लेकर शाम के 5:06 तक रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना का विशेष ही महत्व होता है। नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर को साफ सुथरा कर ले और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाए और सुख समृद्धि के लिए अपने घर के दरवाजे पर आम के पत्ते या फिर अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाए और इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए माता दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रखे, उस पर लाल रंग का आसन बिछाए, साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर फिर माता की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति भी रखे। उसके बाद माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोए, जो समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ जगह पर सप्तधान भी बोए जाते हैं। यदि आपके यहाँ पर सप्तधान बोए जाते हैं तो आप उनका प्रयोग करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए हमेशा ही सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी से बने हुए कलश का इस्तेमाल करें। पूजा के लिए लोहे या फिर स्टील से बने हुए कलश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश की स्थापना के दौरान कलश की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कलश की स्थापना या तो उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और आप भी पूजा के लिए जब बैठे तो आपका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ स्वच्छ करके वहां पर गंगाजल छिड़के और उसके बाद ही कलश की स्थापना करें।
कलश स्थापना के लिए चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी को फैला ले और कलश स्थापना के लिए आप कलश के नीचे अष्टदल अवश्य ही बनाए। यदि आप अष्टदल नहीं बना पाते हैं तो उसके नीचे चावल की ढेरी अवश्य ही रखें। उसके बाद कलश में सप्तमृति का, सुपारी, सिक्का, सुगंध, सर्वौषधि, कोड़ी, शहद, गंगाजल, पंचपल्लव, पीपल, आम, बरगद, गुलर या फिर पाखर, इनके पत्ते हो नहीं तो फिर आप आम के पत्ते अवश्य ही रखें। फिर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रखें, वे नारियल का मुख खुद की तरफ रखें। यदि आप नारियल कलश नहीं बनाना चाहते हैं तो आप दीप कलश बनाएं। उसके लिए एक पूर्ण पात्र में जौ या चावल कुछ भी अनाज भरकर रखें और उसके ऊपर दीपक रखें। लेकिन नवरात्रि में नारियल कलश बनाना ही सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद सिंदूर से कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कलश के ऊपर मिट्टी के बर्तन में धान या चावल डालकर उसके ऊपर ही नारियल स्थापित करें। इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यदि आपको माँ की आराधना करते समय आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए निर्वाण मंत्र का जाप पूरी पूजा करते समय करते रहे। निर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। आप इस मंत्र का पूरी पूजा के दौरान जाप कर सकते हैं। यही मंत्र पढ़ते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। देवी को श्रृंगार का सामान, नारियल, चुनरी, धूप, दीप, रोली इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद यदि संभव हो तो माता के लिए घी का दीपक जलाएं। यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार घी या तेल, आप जिन भी चीज़ों का उपयोग करना चाहें आप वो कर सकते हैं। पूजा का दीपक जलाते समय आपको दीपक से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए और मंत्र भी अवश्य उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र है ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पाप पूजा दीपो नमोस्तुते। यह मंत्र पढ़े और फिर दीपक जलाए। उसके बाद यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ज्योति जलाने से पूर्व श्री गणेश जी, भगवान शिव और माँ दुर्गा का ध्यान जरूर करें। और ज्योति जलाने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। जब भी आप अखंड ज्योति जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि घी से जलाई गई अखंड ज्योति दाईं ओर और तेल से जलाई गई अखंड ज्योति माँ दुर्गा के बाईं ओर रखी जाती है। ध्यान दें, घी से जलाई हुई ज्योति माँ दुर्गा के दाईं ओर हमारे नहीं माँ दुर्गा के दाईं ओर और तेल से जलाई हुई ज्योति माँ दुर्गा के बाईं ओर रखी जाती है। अखंड ज्योति अपनी किसी विशेष मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए रखी जाती है तो इसकी समाप्ति होने तक 9 दिनों तक यह ज्योति बुझनी नहीं चाहिए और ज्योति को जलाकर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति हमेशा ही उसकी देखभाल के लिए वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के बाद कभी भी घर को बंद ना करें और ना ही ताला लगाए। अखंड ज्योति जलाने से पूजा के स्थान पर कभी भी बुरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। घर में सकारात्मकता रहती है और नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। और अखंड ज्योति में समय समय पर घी या तेल अवश्य ही डालती रहे। अखंड ज्योति के आसपास शौचालय या फिर स्नानागृह नहीं होना चाहिए और अखंड ज्योति में दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि आसपास उसकी लौ की ताप महसूस हो सके। साथ ही हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रखें जिससे कि वो निरंतर जलती रहे। फिर संकल्प पूरा होने के बाद यानी कि नवरात्रा के 9 दिनों के बाद दशमी तिथि के दिन यदि आपकी अखंड ज्योति जल रही है तो उसे फूंक मार कर नहीं बुझें, उसे प्रज्वलित रहने दें, वह स्वतः ही बढ़ जाएगी। यदि आपकी अखंड ज्योति गलती से या फिर किसी वजह से बीच में ही बुझ गई है तो माँ से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें और फिर से नई अखंड ज्योत लगाए, उसी ज्योत का प्रयोग ना करें। इस तरह से आप नवरात्रा पूजा संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।